बिहार के मुजफ्फरपुर में एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर बाढ़ग्रस्त इलाके में गिर गया है। जानकारी के अनुसार यह हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने जा रहा था, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा मुजफ्फरपुर के औराई के नया गांव वार्ड संख्या 13 में हुआ। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से राहत सामग्री लेकर मुजफ्फरपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री बांटने जा रहा था। घटना के बाद एसटीआरएफ की टीम और स्थानीय ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया और हेलीकॉप्टर में सवारों को बाहर निकालने का काम किया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग नाव लगाकर पानी में गिरे, हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री लूटने लगे। वहीं इस घटना के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। उन्होंने बताया कि इंजन फेल होने के बाद पायलट ने पानी में लैंडिंग कराई है। एयरफोर्स के सभी जवान और पायलट सुरक्षित है। पायलट और घायल जवानों को इलाज के लिए SKMCH भेजा जा रहा है। SDRF की टीम ने क्रैश होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं इस घटना के बाद बिहार सरकार ने SDRF टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन विभाग के ACS प्रत्यय अमृत ने कहा कि घटना के तुरंत बाद SDRF टीम ने बेहतर ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया, इसके लिए SDRF के जवानों को पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें कि मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद स्थानीय लोग मौके पर सेल्फी खींचकर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।